नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिरमौर विधानसभा के अंतरेला गांव में जन अस्मिता यात्रा के अंतर्गत जनसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर विंध्य क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को लेकर पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। जन अस्मिता यात्रा के संयोजक और पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने अतरेला में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि समूचे क्षेत्र में खुले में घूम रहे आवारा पशुओं के आतंक से सभी परेशान हैं और किसानों की खेती का रकबा दिनों दिन घटता जा रहा है। इस क्षेत्र में तो आवारा पशुओं के साथ ही जंगली जानवरों नीलगाय सुअर की वजह से अत्यधिक नुकसान आम लोगों को हो रहा है। सरकारें आती जाती रही हैं, लेकिन इस क्षेत्र की समस्या में आज तक कोई पुख्ता सुधार नहीं हो सका। पूर्व विधायक तिवारी ने आगे कहा कि इस समूचे क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां स्थापित नहीं होने से लोगों को रोजी रोटी की तलाश में अन्य राज्यों को पलायन करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य चिकित्सा की हालत बिंदु क्षेत्र में बेहद खराब है। संजय गांधी हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बिल्डिंग नेताओं के प्रचार प्रसार का हिस्सा बनकर रह गई है। उन्होंने उपस्थित जनों को बताया कि इसी सब दुर्दशाओं से निजात पाने के लिए हम सरकारों से मांग करते हैं कि हमें हमारा विंध्य प्रदेश वापस किया जाए। उन्होंने कहा कि समूचे विंध्य क्षेत्र में अब किसानों और आमजनों द्वारा सरकार से गोबर गैस प्लांट स्थापित कर आमजनों से 5 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने का कार्य करें। डिस्टेम्पर, फाइल पेंट, ईंधन आदि का निर्माण होगा, जिससे सरकार को राजस्व की बढ़ोतरी होगी और किसानों की बोनी का रकबा बढ़ेगा और घर घर पर आमदनी का जरिया बनेगा। सर, आज आपने कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? सर, कार्यक्रम का उद्देश्य यहाँ के गरीबों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ बेसहारों को, खास तौर पर नील गाय और आयरा प्रथा की जो दुर्दशा है, सर्वाधिक तीसरा चरण इसलिए यहाँ से प्रारंभ किया कि सर्वाधिक दुर्गति इसी क्षेत्र की है, इसलिए यहाँ से प्रारंभ किया है तीसरा चरण। और ये गोबर प्लांट लग के हर घर को आमदनी बढ़ाना, 5 रुपये किलो के भाव से अगर किसान से, नौजवान से, गरीब से, हरिजन से, आदिवासी से, तथा कथित जितनी भी बात बढ़ने जाती हैं, हिंदू से, मुसलमान से, अगर गोबर खरीदती है सरकारें तो उसके घर घर की आमदनी बढ़ेगी, बोनी का रकबा बढ़ेगा, किसान खुशहाल होगा। और जो ये बंदरबाट हो रहा है सरकारी धन का, इसका दुरुपयोग रुकेगा और आने वाले समय में खेती लाभ का धंधा बन सकेगी और कहीं ना कहीं लोगों का कल्याण हो जाएगा, इसका यही उद्देश्य है। जन अस्मिता यात्रा तृतीय चरण यहाँ से प्रारंभ हुई है, यात्रा कहाँ तक चलेगी और समापन कब तक? ये पूरे विंध्य में हम जाते हैं, तृतीय चरण तक 28 फरवरी तक चलेगा। आज तो 24 नवंबर है, पूरा दिसंबर चलेगी, पूरी जनवरी चलेगी, पूरी फरवरी चलेगी, क्योंकि विंध्य क्षेत्र में 32 विधानसभा सीटें हैं और 32 जगह हमको जाना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है, इसलिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।